कानून की रूह से। बाबरी मस्जिद कल भी मस्जिद थी, आज भी मस्जिद है और कयामत तक मस्जिद ही रहेगी। उसको काफिरों और जालिमों के कब्जे से आजाद कराना, उसकी बाजियाबी की कोशिश करना, उसकी तामीर नो करना और उसे अपने सस्तों से सजाना और आबाद करना हम मुसलमानों की शरई जिम्मेदारी है। मैं इस मौके पर तमाम मुसलमानों को भी ये पैगाम देना चाहती हूँ और ये बताना चाहती हूँ कि आप इस बात को अच्छी तरह से समझ लीजिए कि हिंदुस्तान में बाबरी मस्जिद का मसला सिर्फ एक मस्जिद का मसला नहीं है, बल्कि ये पूरे मुल्क के मुसलमानों के दीन और ईमान का मसला है। ये हमारी इज्जत और जिल्लत का मसला है। ये आजादी के बाद से अब तक वीरान की गई और शहीद की गई तमाम मस्जिद की बाजियाबी और उसकी तामीरनों का मसला है। ये हिंदुस्तान में हमारे दीगर शायर इबादत गाहों और इदारों के तहफ्फुज़ और बखा का मसला है। ये काशी और मथुरा की मस्जिदों समेत उन 3000 मस्जिद के तहफ्फुज़ का मसला है जिन पर आज संघ परिवार का दावा है। अगर आज हम बाबरी मस्जिद के मसले को छोड़ने की हिमाकत करेंगे तो मैं आपको बता दूं कि इस हिंदुस्तान में हम मुसलमान बनकर जिंदा नहीं रह सकेंगे। इसलिए कि जो कौम अपने इबादत गाहों की तहफ्फुज़ नहीं कर सकती, अपने इबादत गाहों की तज़ीम नहीं कर सकती, उस कौम को जिंदा रहने का कोई हक नहीं मिलता।